हम वैश्विक माहौल की बात करते हैं तो पाते हैं कि किस तरह हमारा संत समाज संकटों को आते हुए देख पाता था और हमें लगातार आगाह करता था। भाइयों और बहनों, अगर हम 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूरे कालखंड को देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन में उस समय के समाज सुधारकों धर्मगुरुओं का बहुत योगदान रहा। अलग अलग जातियों में बटा हुआ समाज, अलग अलग वर्ग में बटा हुआ समाज अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए उस दौर में देश के अलग अलग हिस्सों में जातिवाद के खिलाफ बड़े व्यापक आंदोलन चले। उन आंदोलनों, उन सुधार कार्यक्रमों का भाव वही था कि देश को आगे बढ़ाना है, गुलामी की जंजीर तोड़नी है तो अपनी आंतरिक कमजोरियों से मुक्ति पानी ही होगी। इन आंदोलनों की कमान संभालने वालों ने देश के सामान्य जन को बराबरी का मान दिया, सम्मान दिया। उन्होंने देश की आवश्यकता को समझते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा। जब लोगों ने जाति से ऊपर उठकर सोचना शुरू किया तो देश उठ खड़ा हुआ। भारत के एकजुट लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़कर दम लिया। साथियों, आज देश के सामने एक बार फिर वैसा ही समय आया। देश के लोग देश को अपनी आंतरिक कमजोरियों से मुक्त देखना चाहते हैं।